राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बोली बजैया। चलो इसी को राधा रानी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, गैवर बनवारी की जय हो। कुछ पेंसिल है एक कागज दे दो। प्रेम मोल में है बिकते मुझको ही लेना नया या प्रिय। प्रेम मोल में है बिकते मुझको ही लेना नया या प्रिय। प्रेम मोल में बिकते
मुझको ही लेना नया बिकते मुझको ही लेना नया मुझको ही लेना नया मुझको ही लेना नया वे बिना मोल बिक जाती मुझे प्यार ही करना नाया वे बिना मोल बिक जाते मुझे प्यार करना नाया वे बिना मोल बिक जाते मुझे प्यार ही करना नाया प्रेम मोल में बिकते मुझे ही लेना नया मोल में बिकते मुझे ही लेना नया पिया प्रेम मोल में बिकते मुझे ही लेना नया प्रेम मोल में बिकते मुझे ही लेना नया मुझे लेना ही मुझे लेना ही ना आया मुझे लेना ही ना वे बिना मोल बिक जाते मुझे प्यार ही करना ना बिना मोल बिक जाते प्यार ही करना नाया मुझे प्यार ही करना नाया गोपाल गोपाल हे गोपाल 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 पिया प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया पिया प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया प्रेम मोल
करना ना क्या है समझ ना पाई प्यार का वो अदब कर न पाई प्यार का है समझ ना पाई प्यार का अदब कर न पाई राधिका राधिका Radhika 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 Pyar kya hai samajh na paayi प्यार का आदब कर न पाई प्यार का मैं अदब कर न पाई प्यार का वो अदब कर न पाई प्यार का अदब कर न पाई राधिका राधिका Radhika 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 Unne dekha मेहरबान मुझको मुझको नजरें झुकाना आया देखा मेहरबान मुझको मुझको नजरें झुकाना आया उन्हें देखा मेहरबान मुझको मुझको नजरें झुकाना नया मुझे लेना ही ना आया प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया वे बिना मोल बिक जाते मुझे प्यार ही करना नया Govinda, 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 Govinda
मैं तो भूली थी देख जवानी मदमाती थी बनती सयानी मैं तो भूली थी देख जवानी मदमाती थी बनती सयानी भूली थी देख जवानी मदमाती थी बनती सयानी मदमाती थी बनती सयानी मदमाती थी बनती सयानी बेगरूरी बेगरूरी पिया को है प्यारी प्यार का सलीका न आया बेगरूरी पिया को है प्यारी प्यार का ही सलीका न आया बेगरूरी पिया को है प्यारी प्यार का ही सलीका न आया को है प्यारी प्यार का ये सलीका न आया श्री कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे Radhika, 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 Radhika. Radhika. Radhika, 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 Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Krishna Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe. राधे 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 श्याम
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं मैंने चाहा उनको खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं मैंने चाहा था उनको खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं चाहता उनको खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं 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 मैंने चाहा था उनको खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं चाहा था उनको खरीदूं उनको अपना बना के न चालूं उनको अपना बना के न चालूं अपना बना के न पहले है पर पहले है खुद बिकना पड़ता प्यार ही का सौदा करना ना पहले है खुद बिकना पड़ता पल पहले है खुद बिकना पड़ता प्यार का सौदा करना न आया पहले है खुद बिकना पड़ता प्यार का सौदा करना न आया हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे बरसाने वारी राधा कैवर बनवारी राधा कैवर बनवारी शरण तिहारी राधे आई शरण तिहारी नमतवाई शरण तिहारी राधे आई शरण तिहारी सुधलेगी कभी हमारी सुधलेगी कभी हमारी खाते हैं वे तो खाते जो जैसा खिला दे वो तो पीते हैं जैसा पिला दे वे तो खाते जैसा खिला दे वे तो पीते हैं जैसा पिला दे राधिका जैसा पिला दे वे तो खाते हैं जैसा पिला दे वे तो पीते हैं जैसा पिला दे वो तो पीते हैं जैसा पिला दे वो तो पीते हैं जैसा पिला दे जैसा पिलाओगे वो पी लेता है। एक बार सारे ब्रजवासी गर्ग संहिता में कथा है द्वारका गए सिद्धाश्रम में द्वारका से पहले पड़ता है सूर्य ग्रहण में गए थे वहां
वारका की सब रानियां भी आई थी स्नान करने। सब रानियों ने पूछा ये सरोवर पर कौन लोग हैं, इनका पहरा है, इन्होंने घेर रखा है, क्या इनको पता नहीं हम श्री कृष्ण की पटरानियां यहां आई हैं। 16,108 रानियां आई हैं और इन्होंने जगह रोक रखी है, जाओ इनको हटाओ और कहो रानियां स्नान करने आई हैं। द्वारिका के सिपाही आगे बढ़े, ब्रजवासियों ने उस सरोवर को घेर रखा था क्योंकि राधा रानी स्नान करेंगी। उनको ब्रजवासियों ने द्वारका वाले सिपाहियों को लठ मार मार के भगा दिया। एक बड़ी आश्चर्य की घटना थी, महान वीर यदुवंशी पिटे क्योंकि ब्रजवासियों में राधा रानी की शक्ति थी। ये बात देखकर के रानियों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा ये कौन नहा रही है। लोगों ने कहा ये राधा रानी बरसाने वाली आई हैं। श्री कृष्ण से कहा कि हम तुम्हारी राधा को देखना चाहती हैं। श्याम सुंदर सबको लेके आए उस विशाल चंदोवा तंबू में जहां राधा रानी टहल रही थी। रुक्मिणी और सत्यभामा ने कहा चलो आज देखेंगे राधा कैसी है। उसमें क्या रूप है, हम लोग राजकुमारियां हैं, हमको कैसे पा सकती है, गांव की गवारिन है। जब आगे बढ़ी तो श्याम सुंदर ने दिखाया देखो वो राधा रानी सरोवर के किनारे खड़ी हैं। देखा देखते मान मूर्छित हो गई सब रानियां, ओहो ऐसा रूप है। लोहा मान गई कि राधा तो राधा ही है। राधिका 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 कहा श्याम सुंदर हम इनको अपने तंबू में बुलाना चाहती हैं, क्या आ जाएंगी।
श्याम सुंदर बोले हाँ, उनमें गर्व नहीं है, बड़ी सरल है। जाओ तुम लोग बुलाओ, आ जाएंगी। सब गई, बोली राधे। श्री जी बोली, बोली क्या है, तुम हमारे यहां चलोगी? हाँ, क्यों नहीं चलेंगी, तुम बुलाओगी तो हम अवश्य आएंगी। श्री जी गई और रुक्मिणी जी ने उनको भोजन कराया। और उसके बाद उन्होंने श्री जी को शयन कराया और फिर श्याम सुंदर के पास गई रुक्मिणी जी चरण सेवा करने। कृष्ण बोले कि तुमने राधा रानी को दूध नहीं पिलाया? उनको रात को दूध पीने की आदत है। जाओ, रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी गई और देखा श्री जी जाग रही थी। बोली वृषभान नंदिनी, मैं भूल गई तुमको दूध पिलाना, लो दूध पी लो। श्री जी ने लिया और दूध पी गई। फिर रुक्मिणी जी आई श्याम सुंदर के चरण दाबने। जब चरण दाबने लग गई तो देखा चरणों में छाले पड़े हुए हैं। बोले नाथ, ये छाले कैसे पड़ गए? बोले तुमने राधा रानी को गरम दूध दिया और तुम्हारे प्रेम में पी गई, उनके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, दूध गर्म था इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। तो इसलिए कहा कि प्रभु या श्री जी को जैसा खिलाओ खा लेंगे, जैसा पिलाओ पी लेंगी। वे तो खाते जैसा खिला दे, वो तो पीते हैं जैसा पिला दे। खाते जैसा खिला दे, वे तो पीते हैं जैसा पिला दे। बैठते हैं जहां जो बिठा दे, उनको वश में ही करना ना। मोल में बिकते, मुझको ही लेना नया। मोल में बिकते, मुझको ही लेना नया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे।
हे गोपाल 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 शबरी ने झूठे कोर खिलाए ग्वालों ने बेर खिलाए शबरी ने झूठे कोर खिलाए ग्वालों ने ब्रह्मा जी ने देखा ग्वाल बालों के झूठे झूठे कोर कृष्ण खा रहे हैं बोले कैसा भगवान है मोह हो गया झूठे बेर खिलाए शबरी ने झूठे कोर खिलाए ग्वालों ने बेर खिलाए शबरी ने शबरी ने झूठे कोर खिलाए ग्वालों ने भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे लेकिन एक नीच याद भीली के झूठे चाखे भैर बेर खाए वो बेरों को चाखती थी मीठा है कि नहीं है खट्टा बेर न चला जाए क्योंकि सभी बेर एक जैसे नहीं होते हैं चाख चाख देती थी और भगवान प्रशंसा करते हुए उन बेरों को खाते थे झूठे बेर खिलाए शबरी ने झूठे कोर खिलाए ग्वालों ने छिलके खिलाए बिदुरानी मुझे इंसान खिलाना ना आया केले छिलके खिलाए बिदुरानी मुझे इंसान खिलाना ना आया भगवान दुर्योधन की सुंदर पदार्थों को न खा करके गरीब विदुर के घर गए
एक झोपड़ी में रहते थे, वहां उस समय विदुर जी नहीं थे, वो महल में चले आए थे राजसभा में कि सुना है कृष्ण आएंगे, दूत बन करके आए हैं पांडवों के, लेकिन भगवान श्याम सुंदर उनके झोपड़ी में पहुंच गए सीधे, महल नहीं गए, राजसभा नहीं गए। उन्होंने सोच रखा था दुर्योधन का भोजन हमें नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, अहंकार है। बाहर से आवाज दिया, विदुरानी नहा रही थी, कपड़े खोल करके नंगी नहा रही थी। आवाज दिया, काकी, ओ काकी। आवाज पहचान गई, अरे कृष्ण आया है लगता है। दौड़ पड़ी, नंगी ही दौड़ पड़ी, किवाड़ खोले, श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो नंगी आ गई बेचारी, अपना पीतांबर उसको ओढ़ा दिया और काकी बोली, कृष्ण तू आ गया, चल कुछ खा ले। केले थे, छील छील देने लग गई। कृष्ण बैठ गए आंगन में, लेकिन प्रेम में ऐसी पागल हो गई कि केला छील करके छिलका तो देती थी कृष्ण को, ले खा ले, और कृष्ण छिलकों को लेके खाते थे, और जब फली थी विदुरानी फेंकती जाती। इसको प्रेम कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है कि केली की फली है कि छिलका है। प्रेम के आंसू बह रहे हैं कि आज हमारे घर कृष्ण आए हैं, और केला छील करके छिलका तो गोविंद को देती है, गोविंद भी छिलके लेके खाते जाते हैं। बोले, कृष्ण केले मीठे हैं? हाँ काकी, बहुत मीठे हैं, ऐसा तुमने जीवन में कभी नहीं खाया। तब तक विदुर जी आ गए। जब वहां राज महल में देखा सभा में कृष्ण नहीं है, दौड़े, समझ गए कि हमारी कुटिया में गए होंगे गोपाल। सूरदास जी लिखा, गोपाल गरीबन हू के गाहक, कहा विदुर की जात पात प्रेम प्रीत के लायक। कोई विदुर प्रेम करने लायक नहीं था, न जाति न पाति, लेकिन भगवान तो गरीबों से ही प्यार करते हैं। आवाज दिया, विदुरानी दौड़ी आए, विदुर बैठ गए, देखा आंगन में केले पड़े हैं और छिलका श्याम सुंदर खा रहे हैं। सिर ठोकने लग गए, अरे अकल की अंधी, प्रभु को छिलका खिला रही है, हट। उठ गई,
لا كلا کھلانے لگ گئی بدر جی کرشن بولے کاکا جی سواد نہیں ہے آپ کے کیلوں میں جو سواد چھلکوں میں تھا وہ کیلوں میں نہیں ہے جھوٹے بیر کھلائے شبری نے جھوٹے کور کھلائے گوالوں نے کیلے چھلکے کیلے چھلکا کھلائے بدرانی مجھے انسان کھلانا نہ آیا کیلے چھلکا کھلائے بدرانی مجھے انسان کھلانا نہ آیا پیا پریم مول میں بکتے مجھ کو ہی لینا نیا آیا پیا پری مول میں بکتے مجھ کو ہی لینا آیا وے تو بنا مول ہی بکتے مجھے پیار ہی کرنا نیا Radhika, 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 Radhika. بنایا گوالوں نے ہرایا جیتایا گوالوں نے گھوڑا بنایا گوالوں نے ہرایا جیتایا گوالوں نے جو ہارتا تھا گھوڑا بنتا تھا جو جیتا تھا وہ سوار بن کر کے چڑھتا تھا کھیل میں ہرا دیا گوال والوں نے اور ان کو گھوڑا بنا کر کے ان کے اوپر چڑھ گئے ان کو گھوڑا بنایا گوالوں نے ہرایا جیتایا گوالوں نے گوپیوں نے تالی دے نچایا مجھے نچنا نچانا نہ آیا گوپیوں نے تالی دے نچایا مجھے نچنا نچانا نہ آیا مجھے نچنا نچانا نہ آیا یا پریم مول میں بکتے مجھے لینا ہی نہ آیا پورے پریم مول میں بکتے
रुक जाते मुझे प्यार ही करना दया गोबर उछाते गोपिन का हेल उठवाते तो गायों का गोबर उठाते उठाते वे तो गायों का गोबर उठाते गोपिन का हेल ऊंचो बाते गोबर उठाते गोपिन का हेल ऊंचो बाते पनिहारिन का घड़ा उठाते ऐसा भी वाव मुझ में नया आया पनिहारिन का घड़ा ऐसा भी भाव मुझ में आया यह प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही जाते प्यार करना दया तो बिना मोल बिक जाते मुझे ही प्यार करना ना चलो द्वापर की बात छोड़ो भगवान तो कलयुग है चाहे द्वापर है सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। अब कलयुग की बात सुनो। जनाबाई थी नामदेव के परिक्रमी सैकड़ों संत आते थे नामदेव के यहां। पुराने जमाने में चक्की नहीं थी बिजली की सबके लिए आटा अकेले जनाबाई पीसती थी। सारी रात चाकी चलाती थी और कीर्तन करती थी कृष्ण का। भगवान उसके सामने बैठ जाते अंधेरे में। रात में पीसती थी अंधेरे में क्योंकि सवेरे तक सैकड़ों संत आ जाएंगे। तो श्री कृष्ण भी बैठ जाते एक तरफ उसके साथ और एक हाथ जना का एक हाथ कृष्ण का। उसको पता नहीं था वो चाकी चलाती थी और थोड़ी देर में आटा पीस जाता था। वो जनाबाई गोपाल गोपाल करती थी गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल वे जना की भी चाकी चलाते तिरलोचन
की चाकरी करते वे जना की चाकी चलाए त्रिलोचन की चाकरी करते त्रिलोचन की चाकरी करते त्रिलोचन की चाकरी करते त्रिलोचन जी के यहाँ सैकड़ों भक्त आते थे भोजन करते थे और उनकी स्त्री बेचारी अकेले काम करती थी थक जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि कोई देखो मजूरा मिल जाए तो अच्छा है काम करने वाला नौकर। बाहर निकले और आवाज लगाई अरे भाई कोई मजूरा है। श्याम सुंदर समझ गए ये अच्छा मौका है भक्तों की सेवा करने का अच्छा मौका है। एक मजदूर का वेश बना करके फटा फटा कपड़ा फटा जूता बोले अरे भाई मैं मजदूर हूं हमें कुछ नौकरी चाहिए। त्रिलोचन बोले अरे भाई आ जाओ क्या लोगे मैं केवल पेट भर भोजन करूंगा और कुछ नहीं लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम है अंतर्यामी। अरे नाम तो तेरा बड़ा बढ़िया है। हां लेकिन है मैं मजदूर हूं। ले जा करके घर में रख दिया। त्रिलोचन की बहू बड़ी खुश बड़ा अच्छा मजदूर है सैकड़ों संत आते हैं थोड़ी देर में सब बर्तन मांज देता है थोड़ी देर में सब काम कर देता है। वे जना की भी चाकी चलते त्रिलोचन की चाकरी करते त्रिलोचन की चाकरी करते और अंतर्यामी अंतर्यामी जूठन माजा करते ऐसा भी तो है सुनने में आया। अंतर्यामी जूठन माजा करते ऐसा भी तो है सुनने में आया। अंतर्यामी जूठन माजा करते ऐसा भी तो है सुनने में आया। अंतर्यामी जूठन माजा करते ऐसा भी तो है सुनने में आया। भगवान स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं दास हैं इसीलिए जहां पर भक्त लोग भोजन करते हैं वहां अवश्य प्रभु आते हैं अवश्य आते हैं। प्रिय प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया। प्रिय प्रेम मोल में बिकते मुझे लेना ही ना आया। बिना मोल धीरे वे बिना मोल ही बिकते मुझे प्यार ही करना ना आया। बिकते प्यार करना आया। राधिका 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 राधिका
जगत में अवतरी
पालनीय विचरो दास तुम्हारो आस विषय के दास तुम्हारो आस विषय के हरो विमुख गति को झगरो कब करुणा करो क्षमा कब करुणा करो क्षमा यही आस ते द्वार पर राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो संतों की प्यारी दया करो संतों